आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो BSc की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रेजोनेंस का कंसेप्ट होगा। अब आप इसको फोकस करेंगे और इसको टाइम देंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक है और इसके अंदर हम कुछ पहले टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारा आज का टॉपिक रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में है। और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब पोलैरिटी स्टार्ट होती है तो उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। और पोलैरिटी क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं कि पोलैरिटी क्या होती है। इस डायग्राम में आप देखें कि पोलैरिटी क्या है। व्हेन वन एंड ऑफ अ मॉलिक्यूल इज स्लाइटली पॉजिटिव और जो दूसरा है वो स्लाइटली नेगेटिव, यानी कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है, तो ये काम स्टार्ट हो जाता है जब रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं हम। तो मॉलिक्यूल के अंदर ये काम हो रहा होता है, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। और ये पोलैरिटी किस नतीजे में पैदा होती है, ये तब पैदा होती है जब दो पाई बॉन्ड्स या फिर पाई बॉन्ड और लॉन पेयर जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या इंटरचेंज होते हैं, तो उसको पोलैरिटी की जानिब लेके जाते हैं जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो इनको भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखें कि पोलैरिटी कैसे पैदा होती है। यहां पे देखें कि ये पाई बॉन्ड है, फिर ये कन्वर्ट हो रहा है लॉन पेयर के अंदर। यहां पे दो बॉन्ड हैं और अगली डायग्राम में देखें कि यहां पे बॉन्ड नहीं है, ये जो एक बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो चुका है लॉन पेयर के अंदर। तो यही जो कन्वर्जन है इनकी आपस में उसी को हम पोलैरिटी कहेंगे। और नेक्स्ट भी यही है कि ये तो पाई बॉन्ड से लॉन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है और सेकंड डायग्राम में लॉन पेयर जा रहा है पाई बॉन्ड के अंदर। तो ये जब लॉन पेयर है ये यहां पे शिफ्ट होगा तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा ये पाई बॉन्ड के अंदर। तो यही शिफ्टिंग आपस में होती रहती है इनकी। इसके अलावा ये दो पाई बॉन्ड्स हैं, इनके दरमियान भी यही शिफ्टिंग होती रहती है। और इसके अलावा और डायग्राम है वो भी यही बता रही है कि लॉन पेयर जो है वो जा रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लॉन पेयर में। और इस तरह दो पाई बॉन्ड्स के दरमियान भी आपस में शिफ्टिंग होती रहती है। ये 1-2 के दरमियान है तो अगले में ये 2 और 3 के दरमियान चला गया है, तो इसकी वजह से पोलैरिटी पैदा होती है और जो रेजोनेंस की तरफ लेके जाती है। यहां पे थर्ड लाइन में है कि दिस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड इज ट्रांसमिटेड अलोंग अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये फिर अगर चेन हो तो उसकी तरफ उसमें ये सारा प्रोसेस वैसे ही चलता रहता है। और उसके बाद क्या कहता है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहां पे? इन कंजुगेट कंपाउंड्स। कंजुगेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंजुगेट इस डायग्राम में देखें कि दिस मॉलिक्यूल हैज एडजेसेंट डबल बॉन्ड। तो यहां पे देखें कि ये एक डबल बॉन्ड है, एक यहां पे है, लेकिन ये अलग प्लेन में है, वो अलग प्लेन में है, तो इसको हम एक दूसरे का कंजुगेट कहेंगे। अगर यही डबल बॉन्ड इसमें अगर हम यहां पे लगा देंगे, नीचे लगा देंगे, तो ये दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे, फिर इसको हम कंजुगेट नहीं कहेंगे। कंजुगेट की जो मेन निशानी है वो यही है, बाकी यहां पे ये जो है इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, हम जरा ऊपर ऊपर मेन में रहते हैं। इस किस्म के सिस्टम में क्या होता है, इन सच अ सिस्टम द पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट डीलोकलाइज्ड। तो वो डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन के दरमियान भी डिफरेंस पता होना चाहिए। और एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट गिविंग अ नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं वो लिविस स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये सारा काम जो है वो होता है। और यहां पे ये पहला पैराग्राफ इसका देख लें आप और इसकी जो है डीलोकलाइजेशन देख लेते हैं कि क्या है। यहां पे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है और इसमें इसकी डेफिनेशन है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर द बॉन्डिंग।
तो ये वो है जो बॉन्डिंग करते हैं, जहां पे हमें एक बॉन्ड नजर आता है, सीसी के दरमियान एक लाइन नजर आती है। तो ये तो लोकलाइज्ड हैं जो कि बॉन्डिंग करवा रहे हैं, लेकिन किसी एटम के ऊपर जो दो नुक्ते होते हैं छोटे से, वो बॉन्ड में शामिल नहीं होते, वो उसके पास एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको हम डीलोकलाइज्ड कहते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होते हैं तो वो किसी और जगह भी शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए हम उसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस डायग्राम में देखें कि ये जो लाइन है, ये हमारे पास है लोकलाइज्ड, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग कर रही है। लेकिन ये जो ऊपर जो छोटे नुक्ते हैं, ये शिफ्ट हो सकते हैं और ये शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये डीलोकलाइज्ड हैं, यानी कि मूवमेंट इनकी हो सकती है। इसके अलावा कुछ इंडिकेशंस हैं, ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, वो सर्कल्स में होते हैं, और इसी तरह ये जुड़े होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। और इनकी जो लोकेशन है वो बिटवीन होती है और इनकी अबव होती है, उसके यानी कि ऊपर छत पे होते हैं दो छोटे नुक्ते। सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या चीज है और ये रेजोनेंस के अंदर क्या रोल प्ले करती है, ये भी देख लेते हैं। जो हमारे पास एक परफेक्ट रेजोनेंस जिसे हम कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक टिपिकल यूज टू एनालाइज केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि ये एक हमारे पास एक किस्म का एक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बुनियाद पे हम देख सकते हैं कि जो रेजोनेंस है वो कैसी है, और जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो उसके बारे में भी ये हम इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि बॉन्डिंग कैसी हुई है, रेजोनेंस कैसी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर वर्क करें तब। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रेजेंट अराउंड स्पेस सराउंडिंग एट एनी गिवन पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द जो भी होता है, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। ये जो डेंसिटी होती है, यहां से देखें कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एन इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत में होती है। और इसके अलावा यहां पे अगर हम इसको सर्कल करें तो ये 90% इसके अंदर आ रही है। तो इसके यानी के लोब्स जो हैं, दोनों इन दोनों को लोब्स कहते हैं जो कि एग की सूरत में है, तो इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, सराउंडेड एरिया है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये बलून की सूरत में दिखाई गई है कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और इसके अलावा जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये कहाँ पे वाक्य होती है, एरिया ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो एरिया है यहाँ पे ये ज्यादा होती है, जबकि जो टॉप वाले एरिया होते हैं यहाँ पे ये कम होती है। यानी कि ये जो एक तो नेगेटिव के इर्द गिर्द ये ज्यादा होती है, जहां पे नेगेटिव का साइन होगा, और इसके अलावा जहां पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। और जो इसका प्लस पॉइंट है, जो इसकी टॉप है, वहां पे अगर पॉजिटिव का साइन है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जो पेपर में आपने लिखना है रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, ये बुक में तो काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसको समराइज करके आपने इस तरह लिखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे तो हम बात कर चुके हैं, द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन, अगर किसी एक पॉइंट पे वो इंक्रीज हो रही है तो उसी वक्त दूसरे पॉइंट पे वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसी जो पोजीशंस हैं इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। यानी कि एक हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी की जो पोजीशंस बनेंगी उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट का नाम देंगे। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक को पॉजिटिव कहेंगे, एक को नेगेटिव कहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप अटैच विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स शोज पॉजिटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव रेजोनेंस क्या है, जो ग्रुप्स दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये जो पहली डायग्राम है, और नीचे जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हो रहा है इसकी तरफ, और अगले स्टेप में ये यहाँ पे लोन पेयर नहीं है बल्कि ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो देने के अमल को हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, और जो रिसीवर है उसको हम नेगेटिव कहेंगे। और इसके अलावा ये जो अब यहाँ पे नेगेटिव में देखें कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अब नेक्स्ट में डबल बॉन्ड नहीं रहा बल्कि ये शिफ्ट हो गया है, ये इसके ऊपर भी चार्ज आ गया है, ठीक है। तो
ये जो देने का प्रोसेस है इसको हम नेगेटिव रेजोनेंस कहेंगे। और अगर आपको वो पहला पैराग्राफ में जो हमने बातें की हैं कुछ वो मिला के उसकी थ्योरी में लिख देंगे रेजोनेंस इफेक्ट में, और उसके अलावा यहां पे ये जो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, उसकी टाइप्स लिख देंगे, तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। इतना काफी है रेजोनेंस के टॉपिक के बारे में, क्योंकि बुक में जो काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ये इतने मार्क्स का काम नहीं है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है।